Firstly, I'm going to tell you the style of the paper. First of all, there will be proper choice, as it will be, as you will get in the board exam, same you will get in the pre-board exam also. Proper choice. For example, in each and every subject, I don't know about science, but it's same. Hai. Now listen carefully, choice will be given, but listen how to do. Is जैसे there will be three sections A B C, ठीक है? A B C section में से जैसे A section में total questions 24 and you have to do 20 questions and select those questions those which you are very confident that this is the correct answer, ठीक है? तो आपने सिर्फ 20 ही करने अगर आप उसमें से और first आपके count होंगे जो कि आपने अपनी OMR में भरे होंगे अगर आपने 20 की जगह 22 किए हुए ठीक है तो आपके फर्स्ट जो है ना दैट विल बी जो आपने किए होंगे वो कौन आपके होंगे चेक अगर आप एक्स्ट्रा करोगे तो वो आपका चेक नहीं होगा 20 तक आपके चेक होंगे उसके बाद आपके जैसे 21 22 आप एक्स्ट्रा कर देते हो आपके वो चेक नहीं होंगे इज इट क्लियर कल को बच्चा कहे कि मेरा ये वाला ठीक था मेरा ये गलत था तो इसलिए मुझे इसके इसका क्रेडिट दिया जाए नो क्रेडिट विल बी गिवन आपको सिर्फ 20 करने हैं बी सी सेक्शन में जैसे बी में भी आपको चॉइस होगी ठीक है फिर सी का भी आपने देखना आपको कितनी चॉइस है ऊपर आपकी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी आपको उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपना पेपर करना इज इट क्लियर आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको इस सेक्शन में से कितने करने हैं ए बी सी सेक्शंस होंगे तो आपको ऊपर इंस्ट्रक्शंस बताएंगी कि हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव टू डू फ्रॉम ए सेक्शन एंड हाउ मेनी यू हैव टू डू फ्रॉम बी एंड हाउ मेनी यू हैव टू डू फ्रॉम सी अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस यू विल डू योर फिल योर ओएमआर शीट इज इट क्लियर तो प्लीज अपना जो भी आपके पास सैंपल पेपर्स हैं बोर्ड वाले स्टाइल के जिसमें 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं That pattern वही आपने फॉलो करना है तो आई एम गोइंग टू रिवाइज चैप्टर यूरोप एंड सिविक्स एंड पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म फ्रॉम सिविक्स पिक्स फ्रॉम यूरोप एंड मैप्स फ्रॉम सिविक्स कैन बी आस्क्ड तो आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर आपने उसकी आपको होनी चाहिए एंड क्वेश्चंस फ्रॉम द सोर्स जो भी होंगे समटाइम्स सोर्स बेस्ड जो टॉपिक होते हैं बच्चों को खुद भी आंसर लिखने पड़ते हैं सम टाइम्स आंसर्स जो होते हैं वो पैराग्राफ में नहीं होते ठीक है तो वहां पे आपको अपने आप भी आने चाहिए फ्रॉम सोर्स 6 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड एक सोर्स में से 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड वो 6 के 6 कंपलसरी है क्योंकि आपने सोर्स वाले को थोड़ी नहीं ना सकते नो ऑप्शन तो वो आपको करने ही करने हैं ठीक है तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप अपने प्लीज जैसे भी हैं देखना कि अगर सोर्स में आंसर नहीं है तो आपको उससे लिंक्ड पूछा जाएगा सोर्स से लिंक्ड क्वेश्चन ठीक है तो लिसन केयरफुली फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी पेंटरो जर्मनी इलेक्ट्रॉइक्स के कार्ल कैस्पर फिट्स नेक्स्ट इज काउंसलर्स काउंसलर्स जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव वो अब आप बताओगे ग्राम पंचायत के सिटीज सिटीज के होते हैं और स्टेट सिटी या फिर वार्ड इज इट क्लियर काउंसलर्स जो होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेटिव वो या तो आप कह सकते हो वार्ड या फिर आप कह सकते हो सिटीज ठीक है बोथ आर करेक्ट वार्ड एंड सिटी काउंसलर स्टेट का तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ना अगर सेक्रेटरी आए तो ही इज एन एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर आपको आए डिप्टी कमिश्नर ही इज एन एम्प्लॉई ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कीप्स एन आई ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट और रूरल सेल्फ गवर्नमेंट हु कीप्स एन आई ऑन द फंक्शनिंग ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट And he is an employee of state government. कौन है वो? Secretary. अगर मैं पूछूं कि head of the state. Now listen carefully.
ऑप्शन सुनो एंड देन गिव आंसर. हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज नोन एज द हेड ऑफ द स्टेट. प्राइम मिनिस्टर इज नोन एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. प्रेसिडेंट इज नोन एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज नोन एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. इज इट क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं कि सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट इसको कहा गया कि ही इज अगेंस्ट सोशल ऑर्डर, मेजरी और मेटरनी, किसने कहा नेशनल स्टेट गॉड की गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है, मेजरी और मेटरनी. नेक्स्ट इज नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, सॉरी नेशनल एंथम ऑफ यूनाइटेड किंगडम, नोबल किंग. अगर गॉड सेव अवर क्वीन भी है तो भी राइट, गॉड सेव अवर नोबल किंग तब भी राइट है, दोनों में से कोई भी है तो बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ यूके, यूनियन जैक. अब मैं आपसे पूछूं कि फ्रांस की पार्लियामेंट का नेम, फ्रांस की पार्लियामेंट बॉडी ऑफ एस्टेट जनरल, बॉडी ऑफ जर्मनी की पार्लियामेंट, बिकॉज दैट इज गिवन एक पैराग्राफ में ना साइड पे दी हुई है, जर्मनी की पार्लियामेंट रीच स्टैब, रीच आर ई आई सी एच एस सी ए जी, रीच स्टैब, पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी रीच स्टैब. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 33% या हाउ मच परसेंट सीट्स आर फिक्स फॉर वुमेन. One third seats are fixed for. Political status of women is good in local self, urban self. Okay. Sorry, wait a minute. Local self, state government is central government. Local government mein women ka status jo hai that is good. Political status of women is low in. Ab main bolungi, listen carefully. Dhyan se suno. Urban self, rural self government or central government. सेंट्रल गवर्नमेंट में वुमेन का स्टेटस क्या है, लो. अगर मैं पूछूं कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन कॉन्करेंट लिस्ट, 47. हु एंजॉयज रेजिडेंसी पावर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर मैं पूछूं पुलिस कम्स अंडर विच लिस्ट, स्टेट लिस्ट. करेंसी, बैंकिंग, अगर पेपर में सब्जेक्ट पूछे जाते हैं ना तो जो बुक में दिए हुए ना उन्हीं में से पूछते हैं, एक्स्ट्रा वो नहीं पूछते. इज इट क्लियर? हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स. इन विच ईयर बेल्जियम जो है वो फेडरल कंट्री बना, 1993, because they amended their constitution from 1792. मैं बोलूंगी जैसे श्रीलंका, यूएसए, इंडिया, स्पेन. इंडिया में यूनिटरी है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. श्रीलंका, श्रीलंका इज हैविंग यूनिटरी फॉर्म ऑफ. अगर मैं बोलू फिर मैं दोबारा ऑप्शन देती हूँ, आउट ऑफ दीज देयर इज अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लिसन केयरफुली, अब मैं फिर बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो. कंट्री स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साथ में मैं बोल रही हूँ यूके. यूके में कैसी गवर्नमेंट है? यूके एंड श्रीलंका प्लीज यूनिटी के लिए याद रखो. एंड सिक्स फेडरल कंट्रीज यू हैव टू लर्न, बिकॉज सिक्स आर गिवन इन योर बुक. अगर वो सिक्स आपको आएंगे आप एक मिनट में पहचानोगे कि ये यूनिटी है. कौन सी सिक्स मेंशन है बुक में? यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड देन स्पेन, बेल्जियम एंड इंडिया. स्पेन, बेल्जियम एंड तो जिसको ये सिक्स कंट्रीज आती है उसके लिए कोई टॉप नहीं आइडेंटिफाई विच इज यूनिटरी. इज इट क्लियर? यूनिटरी आ जाएगा इससे. अगर फेडरल आएंगी तो यूनिटरी अपने आप आएंगी आपको.
अगर मैं पूछूं, listen carefully, powers to the state are not equally distributed is found in coming together or holding together federation. Powers to the state are not equally distributed, holding together India. इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर के पास खास पावर्स थी, ठीक है, कई बार इक्वल पावर्स टू द स्टेट्स आर नॉट गिवन. तो किस में, किस फेडरेशन में पावर्स टू द स्टेट आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, किस में है? होल्डिंग टुगेदर. तो ये याद रहेगा, होल्डिंग टुगेदर. पावर्स टू द स्टेट आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, विच काइंड ऑफ फेडरेशन? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल. Holding or coming? Holding. There is dual citizenship. Coming or holding? Holding. Coming. किसने बोला holding? India में कहाँ double citizenship है हमारे पास? India is the, in India we are having holding together. जिसको अपनी country के features आते हैं वो ये कभी गलत नहीं करेगा. Next is, अगर आपको federal form of government के features आते हैं तो आपको वो भी problem नहीं आएगी. For example, जैसे कि मैं बोलूँ India is a federal country. Area of jurisdiction is mentioned in the constitution. But our jurisdiction region. Tell me which is. Very good. A. Because India is a federal country and this is the feature of federal form of government. Area of jurisdiction is mentioned in the. What do you mean by jurisdiction? Area under control. अगर मैं कहूँ India is a federal country, ठीक है? Listen carefully and. In India, citizens enjoy dual citizenship. But our assertion reason. Assertion is to reason is. तो ये पहचान नहीं आएंगे. अब मैं फिर बोल रही हूँ, India is a federal country and in India, judiciary is independent. A option. तो ये जिसको features आएंगे ना, वो बच्चा ये गलती नहीं करेगा. अगर features नहीं आएंगे, then problem you have to face. Sri Lankan government passed an act in which year when they followed majoritarianism? 1950. Pelham was demanded by Sinhala, Tamil or Muslims? Pelham means separate state. Who demanded? Tamil. So civil war was held in, dhyan se sunna. Civil war was held in Belgium, Sri Lanka, India. Sri Lanka. Majoritarianism के through they dominated which community? Minority. And in Sri Lanka who are in minority? Tamil. Tamil कितने percent? 18%. Sinhala की percentage? In Brussels, they were in majority. In Brussels that were in minority. Dutch. तो ये चीजें प्लीज दिमाग में रखना. जब करोगे तो ये एथनिक वेरिएशन आएगी, नो प्रॉब्लम, फिर आप कर लोगे. डैश वर 7% इन श्रीलंका. क्रिश्चियंस मुस्लिम्स ओनली. एंड श्रीलंका में 7% कौन? क्रिश्चियंस. बेल्जियम में 1% कौन? जर्मन. 1% कौन? Belgian leaders amended their constitution dash time. Community government was formed by Belgian leaders over the language group or the one people of one language group. People of one language group. Next is Italy was unified in 1860. Germany was unified in 1871. Who was commander of Prussian army? Von Roon. Who was commander of Prussian army? General Von Roon. मैं बिस्मार्क बोलूं तो कई ने बिस्मार्क को टिक करना है. बिस्मार्क was the chief minister of Prussia. Was not the commander of the military commander of Prussian army. Germany was unified under Prussia. Germany was unified under Italy was unified under Sardinia, Piedmont. Italy was unified under aggressive nature. Polly, who believed in the policy of blood and iron? Young Europe was formed by Dash. In which year? 18?
Young Italy was formed by? Who said when France sneezes, Europe? Duke Metternich. Who was Friedrich List? Economist. Kontha? He was economist. Who was John Gottfried? German philosopher. Who was Karol Kapinski? Polish writer. Karol Kapinski was? Polish writer. People of Poland, priests of Poland prefer to go to death jails. Siberian jails. They were under the domination of? Russia. They were under the domination of? Russia. Greek brothers published 33 volume dictionary and they published in which language? First, you tell me in which language. They published folk tales, fairy tales in which year? 1812. They published folk tales and fairy tales in? Napoleon invaded Italy in 1797. With Gaius' treaty, Greece became an independent nation. With treaty of Constantinople, Gaius' country became nation state. Leading the procession in Frederick Soros' tent, named the countries USA and Switzerland. Frederick Soros' ke prince jo hai, wo kya depict kar rahe hai? Nationalism ki democracy. Democracy. When some of the powers of central and state are given to local government, that is known as centralization, decentralization, the distribution of powers. Decentralization. Next is, ab aap batao, Sri Lanka got freedom in? Very. 1948. मैंने लर्न ऐसे करवाया था कि इंडिया के एक साल बाद 1948 श्रीलंका गॉट फ्रीडम इन 1948. अब बेल्जियम के टू रीजन्स फ्लेमिश एंड वेलोनिया. फ्लेमिश एंड अब मैं पूछू फ्लेमिश रीजन में कौन रहते थे? डच और फ्रेंच, क्योंकि अब तक टिकट नहीं होने चाहिए. एंड इन वेलोनिया रीजन neighboring countries of Belgium, Luxembourg, Netherlands, Germany and France. Germany, France, Netherlands, Luxembourg. एक country गलत देके हर बार आपको तो आपने correct options select करनी है, ठीक है? चारों बार एक country बीच में wrong होएगी. अगर ये आते हैं ऐसे question, जैसे आपको आया Austria, Britain, Russia, Russia वाली option, पता ना? तो एक ऑप्शन ठीक होती है, बाकी सारी आपको नाम पढ़ के ऐसे लगेगा ये ठीक है, पर आपको चारों नाम मैच करने हैं कि मैच हो रहे हैं इससे, देन सेलेक्ट योर आंसर, ठीक है? तो नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर्स का बताओ. इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ हॉरिजॉन्टल में. आपको फीचर्स आते हैं ना हॉरिजॉन्टल में. फर्स्ट ऑफ ऑल द पावर्स आर बैलेंस. पावर्स आर लॉ मेकिंग बॉडी लेजिस्लेचर. अब मैं पूछूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसमें से किसका पार्ट है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव. एक मिनट, एग्जीक्यूटिव. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऑल आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव. लार्जेस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर को बोलोगे ना पार्लियामेंट. अगर मैं पूछूं आपको ये पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, आप बताओ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ भी हो तो दीज आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव. प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड प्राइम मिनिस्टर ये सब किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव. तो लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया. तो जुडिशरी चेक्स वेदर द लॉज आर फॉलोड बाय पीपल और देश कैन interpret the constitution. Out of these three organs, judge can interpret the constitution. Judge can make changes in the constitution. Listen carefully. President, prime minister, they both the levels of the government. Both the levels, central and state government can make changes, can make amendments in Indian constitution. President or prime minister, Indian constitution may amendments. अकेले अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते. इज इट क्लियर?
अब मैं पूछ रही हूँ वर्टिकल में से, ठीक है? वर्टिकल के आते हैं पॉइंट्स। पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हायर टू, सुनो इसमें से मेरे को एक और पार्ट बताओ, सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, सेपरेशन ऑफ पावर हॉरिजॉन्टल में, एक क्या कर रहा है लॉ बना रहा है, दूसरा इंप्लीमेंट कर रहा है, तीसरा चेक कर रहा है, तो वहां पे आप कैसे कर रहे हो ये वर्टिकल में, वर्टिकल में तो ये है ही नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ पे है। एग्जाम्पल ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, बेल्जियम एंड इंडिया, बेल्जियम में क्यों, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट इज वाज सेट अप इन, इट वाज सेट अप बाय पीपल ऑफ वन लैंग्वेज, याद रहेगा ये। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम